महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री मोदी ने दी 56,100 करोड़ की सौगात। वाशिम में बंजारा म्यूजियम का किया उद्घाटन। वाशिम में जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में पारंपरिक ढोल भी बजाई। नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। 7 अक्टूबर को होगी बैठक। राज्यों के गृहमंत्री भी रहेंगे मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी रहेंगे मौजूद। गृहमंत्री को नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों की देंगे जानकारी। अमित शाह के साथ बैठक से पहले बोले सीएम विष्णुदेव साय, कहा सरकार का स्पष्ट लक्ष्य नक्सलवाद को खत्म करना है। हम माओवादियों से अपील करते हैं कि वो हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हों। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल पुनर्वास नीति के तहत सीएम विष्णुदेव साय ने 70 आश्रितों को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए। रोहतक के महम से निर्दलीय प्रत्याशी बलराज कुंडू पर पोलिंग बूथ के बाहर हमला। कांग्रेस के पूर्व विधायक आनंद सिंह डांगी और समर्थकों पर हमले का आरोप। बलराज कुंडू के पीए पर भी हुआ अटैक। हरियाणा सीएम सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस हरियाणा के विकास में बाधा है। कांग्रेस का गुब्बारा शाम तक फूट जाएगा। बीजेपी की सरकार बनना तय है। सीएम पद के सवालों पर बोली कुमारी शैलजा, सीएम पद का फैसला आलाकमान करेगा। हमारी सरकार बननी तय। अंबाला कैंट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज ने फिर सीएम बनने की इच्छा जताई। अपने को बताया पार्टी का वरिष्ठ नेता। पत्रकारों से सवालों का जवाब देते हुए कहा पार्टी अगर चाहेगी तो मुझे सीएम बना सकती है और अगली मुलाकात सीएम आवास पर होगी। अनिल विज के बयान पर दीपेंद्र हुड्डा का पलटवार, हरियाणा में कांग्रेस का सीएम बनेगा, हम विज को सीएम आवास पर बुलाएंगे, कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी। रोहतक में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने परिवार संग मतदान किया। लोगों से भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग पर बोले पूर्व सीएम ओपी चौटाला, INLT हरियाणा में सरकार बनाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा आज हरियाणा में प्रजातंत्र का उत्सव है। तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। कैथल में मतदान करने के बाद बोले कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला, कहा लोग भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद से दुखी है, इससे यहाँ एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। हरियाणा चुनाव को लेकर बोले हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, बीजेपी तीसरी बार लगातार जीतकर हरियाणा में बनाएगी सरकार, लोग बहुत उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल में हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान किया। लोगों से भी भारी संख्या में मतदान करने की अपील की। महावीर फोगाट ने चरखी दादरी में वोटकास्ट किया, लोगों से मतदान की अपील की। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर दौरे पर राहुल गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का किया अनावरण। जम्मू कश्मीर के गुगलधर में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़। सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया, कई हथियार बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। SCO की बैठक के लिए डॉक्टर एस जयशंकर के पाकिस्तान जाने पर फारूख अब्दुल्ला ने कहा यह अच्छी बात है कि वे पाकिस्तान जा रहे हैं, उम्मीद है वे नफरत को खत्म करके दोस्ती पर बात करें। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों की 22 जगहों पर NIA की छापेमारी। आतंकी साजिश में एजेंसी ने मारा छापा। स्वतंत्रता सेनानी बाजीराव की आज जयंती। भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुष्पांजलि अर्पित की।